9 फरवरी 2018 नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग से उड़ने वाला एक प्राइवेट जेट साउथ कोरिया पहुंचता है, जिसमें एक मिस्टीरियस रॉयल पैसेंजर था। नॉर्थ कोरिया पर 70 सालों से राज कर रही किम डायनेस्टी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर, जिनका नाम है किम यो जोंग। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनके बाद दूसरी सबसे पावरफुल इंसान, या फिर कहूं पहली, क्योंकि इसके एक बार कहने पर किम अमेरिका के साथ हुए समझौते को तोड़ सकता है, अपने ही बड़े भाई को जहर दे सकता है। इसके पास नॉर्थ कोरिया के घातक मिसाइल्स तक को लॉन्च करने की ताकत है, जिसका एग्जांपल हमें 2020 में मिला, जब इस औरत के कहने पर दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पर साउथ कोरिया द्वारा बनाया गया इंटर कोरियन लियाइसोन ऑफिस को मिसाइल के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। दुनिया के हर लीडर की मीटिंग में आपको ये किम के साथ देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि पूरे नॉर्थ कोरिया में ये इकलौती ऐसी इंसान है जो किम की जगह मीटिंग्स में पार्ट लेती है, जिसका एक एग्जांपल हमें 2018 के साउथ कोरिया में हुए विंटर ओलंपिक्स में भी देखने को मिला। जिन सबको देखने के बाद तो ये भी लगता है कि शायद किम तो बस एक कठपुतली है, पर असली नॉर्थ कोरिया के कमान इसी औरत के पास में है। आखिर कौन है ये औरत, इसका किम जोंग उनके साथ क्या रिश्ता है, और क्या किम जोंग उनकी ताकत दुनिया के लिए एक झूठ है, और नॉर्थ कोरिया की असली कमान इसी के पास है? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। 13 फरवरी 2017, मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मिस्टीरियस पैसेंजर एंट्री लेता है, जो अपनी फ्लाइट्स की ओर जा ही रहा था कि तभी पीछे से दो वुमेन आती है और उस आदमी के चेहरे पर रुमाल ढक देती है, जिसके केवल 2 से 3 मिनट बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इस पैसेंजर का नाम था किम जोंग नाम। नाम कुछ फेमिलियर लग रहा है। हाँ, ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि नॉर्थ कोरियन सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का बड़ा भाई था, जिसे कायदे से तो नॉर्थ कोरिया की गद्दी मिलनी चाहिए थी, पर मिली मौत, जिसके असैसिनेशन की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड थी किम यो जोंग का। नॉर्थ कोरिया की सबसे ताकतवर महिला, जिसे आप साल 2018 के इस फोटो में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस एंड जापान्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के साथ देख सकते हैं, जहां ये साउथ कोरिया में पीस जेस्चर के तौर पर किम जोंग उन की जगह 2018 विंटर ओलंपिक सेरेमनी अटेंड करने पहुंची थी। और नॉर्थ कोरिया के पूरे 70 सालों के इतिहास में किम डायनेस्टी में से किसी ने भी, इवन किसी सुप्रीम लीडर्स तक ने, साउथ कोरिया में कदम नहीं रखा था, एक्सेप्ट हर। तो साल 1974 से 2011 तक नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर रहे किम जोंग इल की जब 19 दिसंबर 2011 को हार्ट अटैक से जान गई, जिनके फ्यूनरल के दौरान दो चेहरों को बार बार देखा गया, जिनमें से एक चेहरा था किम जोंग उन का, जो किम जोंग इल के तीसरे बेटे थे, और दूसरा चेहरा था किम यो जोंग का, किम जोंग इल की बेटी और किम जोंग उन की छोटी बहन। उस समय पूरी दुनिया के अंदर एक सवाल था कि इन दोनों में अब नॉर्थ कोरिया का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। दोस्तों, इन कुछ सालों में बहुत कुछ बदल गया है। लोग तो बदले ही हैं, लेकिन हर एक इंडस्ट्री में बदलाव आया है, ये आपने भी नोटिस किया ही होगा। देखो, जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री में बदलाव की, तो आई थिंक बदलाव हमने स्टॉक मार्केट में ज्यादा देखा है, जहां ऑप्शंस बहुत कम होते थे इन्वेस्टिंग के लिए एंड बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता था। वहां से अब मल्टीपल ऑप्शंस ज्यादा एक्सेसिबल एंड ज्यादा इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस अवेलेबल है। और इन सब में एक बड़ा बदलाव ये भी था कि लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में समझना शुरू किया एंड इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, या कर रहे हैं। लेकिन जितना बड़ा एंड एक्सेसिबल ये है, उतना ही रिस्क भी है, इसीलिए इन्वेस्टिंग से पहले प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही जगह पर इन्वेस्ट कर सके। अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं, तो मेरे पास एक सलूशन है आपके लिए, और वो है तेजी मंदी। आप जरूर से इसे ट्राई कर सकते हैं। ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और ये एक सब्सिडियरी कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो आपकी हेल्प करता है इक्विटी मार्केट्स में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेजी मंदी की टीम आपकी तेजी मंदी प्रोफाइल को एक्टिवली रिव्यू करती है, और आपको वीकली रिपोर्ट भी देती है, और जरूरत पड़ने पर रीबैलेंस भी करती है, जिसमें वो लॉस मेकिंग स्टॉक्स को पोटेंशियल स्टॉक से रिप्लेस करती है। तेजी मंदी आपको ऑफर करती है डायरेक्टली टू रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियो, जो है तेजी मंदी फ्लैगशिप और तेजी मंदी मल्टीप्लायर विद हैंड पिक्ड बास्केट ऑफ 15-20 क्वालिटी एंड वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स फ्रॉम प्रोफेशनल्स। आप इसमें लमसम या मंथली बेसिस पर छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और इनकी सब्सक्रिप्शन फी एज लो एज 99 रुपीज पर मंथ है। इफ यू टेक एन एनुअल प्लान, दैट कम्स अराउंड 1188 रुपीज फॉर द ईयर। अब किसका इंतजार, स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद तेजी मंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दी है।
तो किम फैमिली के अंदर एक रूल है कि इसमें से लीडर तो एक ही बनता है और इस लीडर के पास केवल नॉर्थ कोरिया की गद्दी ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली मेंबर्स के फ्यूचर को भी डिसाइड करने की ताकत रहती है। यानी सुप्रीम लीडर चाहे तो अपनी फैमिली के क्लोज मेंबर्स को कोई ताकतवर पोजीशन दे सकता है, और अगर सुप्रीम लीडर अपनी फैमिली के किसी मेंबर को पसंद नहीं करता या उसकी किसी बात से नाराज हो जाता है तो वो फिर उन्हें एग्जीक्यूट भी करवा सकता है। जैसे कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद किम जोंग उन ने अपने ही अंकल जांग सोंग थाइक को 12 दिसंबर 2013 में एग्जीक्यूट करवा दिया। ओके, सो नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है, जिसे अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद 2011 में नॉर्थ कोरिया की गद्दी मिली। फिर यहाँ पर हम क्यों उसकी बहन के बारे में बात कर रहे हैं? इसका कारण है किम यो जोंग की नॉर्थ कोरिया रेजिमे में पावर और अपने भाई की डिजाइन मेकिंग पर कंट्रोल, क्योंकि इस वक्त किम जोंग उन के सबसे करीब उसकी बहन ही है। अब इसके कई एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। किम जोंग उन की ऑलमोस्ट हर एक ऑफिशियल ट्रिप या फिर मीटिंग में हमें उसकी बहन उसके साथ देखने को मिलती ही है, जो कि काफी अजीब बात है। दोस्तों, किम फैमिली ने नॉर्थ कोरिया पर रूलिंग के दौरान वहां की औरतों और आदमियों के लिए काफी बड़े कानून लाए थे, जहां तक कि किम डायनेस्टी के अब तक के सभी सुप्रीम लीडर भी मेल्स ही रहे हैं। यानी कि नॉर्थ कोरिया में देखा जाए तो ये एक पुरुष प्रधान देश है। अब किम डायनेस्टी में इससे पहले जिस एक वुमेन को सबसे ज्यादा फेम मिली है ना, वो थी किम जोंग उन की माँ को योंग हुई, जिन्हें मदर ऑफ कोरिया भी कहा जाता है। जिनके पास पावर तो कोई नहीं थी, पर उन्हें कोरियन मीडिया में एक प्रॉपर हाउस होल्ड वुमेन की तरह दिखाया जाता था। किम जोंग उनके पिता वुमेन्स को लेकर काफी रूढ़ीवादी सोच रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली के किसी भी वुमेन, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नॉर्थ कोरिया में ज्यादा पावर नहीं दिए। लेकिन जब किम जोंग उन पावर में आया तो हमें कोरियन लीडरशिप में कई बदलाव देखने को मिला, जो कि ये दिखा रहे थे कि इस नए लीडर की सोच अपने पिता की तरह नहीं है, खास करके वुमेन्स के रोल को लेकर। नाउ फॉर एग्जांपल, किम जोंग उन ने पहली बार नॉर्थ कोरिया में एक फीमेल को फॉरेन मिनिस्ट्री दी, और ये पहली बार ही है जब नॉर्थ कोरिया में एक लीडर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे पावरफुल इंसान भी एक महिला ही है। और किम की सोच में औरतों को लेकर इस बदलाव का कारण भी उसकी बहन किम यो जोंग का इन्फ्लुएंस ही माना जाता है, जिसके साथ किम का बचपन बीता है। तो किम यो जोंग का बचपन उसके दोनों बड़े भाई किम जोंग चोल एंड किम जोंग उन के साथ बीता। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1996 से लेकर 2000 के बीच इन तीनों की अर्ली स्कूलिंग एक साथ स्विट्जरलैंड के एक लाइबेफील्ड स्टेनहोल्सली पब्लिक स्कूल में हुई, जहां ये सभी अपनी पहचान छिपाकर अपने अंकल आंटी के साथ रहते थे, जहां किम जोंग उन का फेक नाम पाक मी ह्यांग रखा गया था। यहीं पर पढ़ाई करने और एक दूसरे के साथ समय बिताने के दौरान बहन भाइयों के बीच एक ट्रस्ट एंड क्लोज रिलेशन पैदा हुआ। अब साल 2000 के आसपास तीनों बहन भाई वापस नॉर्थ कोरिया गए, जहां 2002 से लेकर 2007 के बीच किम ने प्योंगयांग ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई की, और उसकी बहन किम यो जोंग ने किम इल सुंग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। अब पिता के बाद जब किम को सुप्रीम लीडर की गद्दी मिली, तभी इन बहन भाइयों के बीच एक खासा अंडरस्टैंडिंग देखा गया, और किम ने अपनी बहन को प्रमोट करते हुए साल 2014 में प्रोपेगेंडा एंड एजिटेशन डिपार्टमेंट दिया, जहां अब किम यो जोंग का काम स्टेट मीडिया एंड गवर्नमेंट पावर्स के जरिए ब्रेन वॉश के जरिए कोरियन लोगों के दिल और दिमाग में किम फैमिली की आइडियोलॉजी को बनाए रखना था, और उन्हें सुप्रीम लीडर किम के साथ लॉयल बनाए रखने का था। साथ ही साथ दोनों बहन भाइयों के क्लोज रिलेशन किम यो जोंग को और भी ज्यादा ताकत देते हैं, जिसके चलते आपको ये किम के साथ हर जगह देखने को मिलती है। हर बड़ी से लेकर छोटी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, सभी मीटिंग्स में किम के साथ किम यो जोंग को भी देखा जाता है, जिसको देखकर कई बार लोग आशंका लगाते हैं कि अगर किसी कारणवश किम जोंग उनकी मौत हो गई तो अगली सुप्रीम लीडर उसकी बहन किम यो जोंग तो नहीं होगी। इसका जवाब है साल 2019 की ये तस्वीर, जिसमें आप दोनों बहन भाइयों को पाइकतू माउंटेन पर देख सकते हैं। किम डायनेस्टी के लिए ये माउंटेन काफी खास है, क्योंकि किम फैमिली अपने आप को उसी माउंटेन का वंशज बताते हैं, जिनकी सारी फेक आइडियोलॉजी एंड मिथिकल स्टोरीज इसी माउंटेन से जुड़ी हुई है। और इस माउंटेन के साथ लीडर और उसके परिवार की तस्वीरों के जरिए स्टेट मीडिया में नॉर्थ कोरिया के लोगों को बार बार किम फैमिली की झूठी बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती है। किम डायनेस्टी के हर सुप्रीम लीडर को इस माउंटेन पर उनके सफेद घोड़े और उस पर उनके परिवार के रॉयल ब्लड की पहचान वाले इस सिंबल के साथ फोटोज खिंचवाते हुए देखा जाता है।
लीडर बनने के बाद से किम जोंग उन ने भी ये किया है, कभी अपनी फैमिली के साथ तो कभी अपनी बहन के साथ। और दोनों बहन भाइयों की ये तस्वीर भी नॉर्थ कोरिया लोगों और दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है कि किम की बहन किम यो जोंग भी किम डायनेस्टी का रॉयल ब्लड है, जो जरूरत पड़ने पर किम डायनेस्टी की सुप्रीम लीडर भी बन सकती है। ये काफी लॉजिकल भी है क्योंकि किम के दोनों बच्चे अभी उम्र में काफी छोटे हैं और इस वक्त पूरे नॉर्थ कोरिया में केवल किम यो जोंग ही किम डायनेस्टी की सबसे ज्यादा ताकत और एक्सपीरियंस होल्ड करने वाली इंसान है। पर क्या आपके मन में एक ख्याल आया कि आखिर नॉर्थ कोरिया में आज तक भी किम डायनेस्टी की इतनी पकड़ कैसे है कि उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य हमेशा सुप्रीम लीडर बनता है? वेल, इसके पीछे किम फैमिली की एक काफी यूनिक और स्मार्ट स्ट्रेटजी है जिसके चलते ये परिवार कई दशकों से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। जस्ट इमेजिन करो कि नॉर्थ कोरिया के पिछले 70 सालों से क्या सिचुएशन रही है। जब से ये देश बना है इसके सारे रिसोर्सेस किम डायनेस्टी के एसओ आराम देश के मिलिट्री एंड न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में खर्च होते हैं। ऊपर से दुनिया भर के देशों ने इन पर इतने हार्श सैंक्शंस लगाए हैं कि इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी है। यहां के लोगों के लिए एक वक्त की रोटी भी नामुमकिन हो चुकी है। लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद 70 सालों से यहां पर केवल एक परिवार का राज है और दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकत से लेकर नॉर्थ कोरिया के लोग तक चाहकर भी इन्हें पावर से नहीं हटा पाए, जिसके पीछे का कारण है इस फैमिली के द्वारा यूज किया जाने वाला एक बहुत ही स्मार्ट और यूनिक स्ट्रेटजी, जो इनकी डिक्टेटरशिप को हमेशा दुनिया से एक कदम आगे बनाए रखती है। जिस स्ट्रेटजी के बारे में सबसे पहले फेमस ऑथर सुंग यून ली ने दुनिया के सामने बताया था, जिन्होंने जून 2023 में द सिस्टर नॉर्थ कोरियाज किम यो जोंग द मोस्ट डेंजरस वुमेन इन द वर्ल्ड नाम की बुक पब्लिश की थी, जिस बुक को दुनिया भर में काफी पसंद किया गया। एंड एज यू गेस्ड इट कि ये बुक किम यो जोंग पर ही बेस्ड थी और हमारी ये वीडियो इसी बुक से इंस्पायर्ड है। सुंग यून ली के मुताबिक किम फैमिली के वर्ल्ड के साथ एंगेज करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, डराना धमकाना जंग की धमकी देना। दूसरा, अचानक से मेल जोल बढ़ाना शांति की बातें करना। और तीसरा, अपने शांति के वादों से मुकरना एंड दोबारा से पूरी साइकिल को रिपीट करना। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि किम डायनेस्टी की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपने देश को पूरी दुनिया से आइसोलेटेड करके रखा है और अपने पड़ोसी साउथ कोरिया को अपनी एग्जिस्टेंस के बाद से ही मिसाइल बम मिलिट्री एक्शन से खत्म करने की धमकी देते रहे हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें साल 1970s में देखने को मिला, जब दोनों देशों के बीच टेंशन काफी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गई थी। लेकिन तभी सडनली उस दौरान नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर रहे किम जोंग इल अचानक शांति की बातें करने लगे। उन्होंने साल 1972 में अमेरिकन रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट्स को नॉर्थ कोरिया में इन्वाइट भी किया। ऑल्सो सुप्रीम लीडर किम जोंग इल ने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की, जिसको साउथ कोरियन मीडिया एंड द वर्ल्ड मीडिया में काफी सराहा गया और अचानक से डिक्टेटर किम जोंग इल पूरे साउथ कोरिया में एक हीरोइक फिगर बन गए। लोग बातें करने लगे कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर इतने बुरे भी नहीं है। मीडिया में उनके बारे में बात होने लगी कि वो एक सेंसिबल इंसान है, दुनिया उनके साथ बिजनेस कर सकती है। इन सब पॉजिटिव बातों का फायदा नॉर्थ कोरिया ने उठाया और साउथ कोरिया और अमेरिका से काफी ज्यादा एड और सैंक्शंस रिलीफ लिए। लेकिन कुछ समय बाद किम डायनेस्टी ने अपना थर्ड स्टेप चला और कुछ टाइम बाद दोबारा से साउथ कोरिया को धमकाना शुरू कर दिया और सारे रिश्ते दुनिया से तोड़ दिए। अब ये पैटर्न नॉर्थ कोरिया का हर सुप्रीम लीडर चलाता है और यही पैटर्न हमें किम जोंग उन की फॉरेन पॉलिसीज में भी देखने को मिलती है। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनने के बाद ही किम जोंग उन ने इन तीनों स्टेप्स को लेना शुरू कर दिया था। कई सालों तक किम ने अमेरिका साउथ कोरिया को डरा धमकाकर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए, बड़ी रेंज मिसाइल्स डेवलप की और दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर की टेंशन पीक तक ले गया। लेकिन अचानक साल 2018 आते आते अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच बातचीत शुरू हो गई। 70 सालों में पहली बार किम फैमिली का कोई मेंबर किम की सगी बहन नॉर्थ कोरिया में किम की जगह विंटर ओलंपिक अटेंड करने पहुंची, जहां उसने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन के साथ मुलाकात की और अपने भाई की तरफ से उन्हें एक खत यानी कि लेटर दिया, जिसमें साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के लिए किम जोंग उन की तरफ से नॉर्थ कोरिया आने का इनविटेशन था। किम की फैमिली का इस तरह अचानक से पीस की बात करना और साउथ कोरिया में जाना किम फैमिली के मास्टर प्लान का सेकेंड स्टेप था, जिसने वैसा ही परफॉर्म किया जैसा कि दोनों किम बहन भाइयों ने सोचा था। साउथ कोरिया में किम यो जोंग के उतरते ही किम जोंग उन और उसकी बहन की बातें पूरी साउथ कोरिया में होने लगी। दुनिया इन दोनों बहन भाइयों के रिश्ते और नॉर्थ
कोरियन रेजिम में ताकत की बात करने लगे। दोबारा से लोग कहने लगे कि शायद किम इतना भी बुरा नहीं है। इसके अलावा किम यो जोंग को तो साउथ कोरिया में एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया गया। मीडिया में लगातार उसकी बातें हो रही थी। उसके मेकअप, ड्रेस, हैंडबैग से लेकर स्माइल एंड बिहेवियर तक को साउथ कोरियन मीडिया में काफी पॉजिटिव अटेंशन दी जा रही थी। लेकिन साल 2019 आते आते किम जोंग उन ने अपने भाई के साथ तीसरा स्टेप शुरू कर दिया, जिसकी कमान किम यो जोंग ने संभाली। और अचानक किम की इस प्यारी बहन, जिसे कुछ समय पहले साउथ कोरिया में प्रिंसेस कहा जा रहा था, उसने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें बार्किंग फ्राइटेंड डॉग तक कह दिया। इतना ही नहीं, बल्कि किम यो जोंग ने दोनों कोरियन देशों के बॉर्डर पर बनी बिल्डिंग इंटर कोरियन लियाइसोन ऑफिस को मिसाइल से उड़ा दिया। इन शॉर्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वुमेन सच में नॉर्थ कोरिया की सबसे ताकतवर इंसान है। एंड किम जोंग उनके फैसलों पर किम यो जोंग का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन ये अभी भी एक सवाल है कि क्या किम यो जोंग नॉर्थ कोरियन पावर प्ले में नंबर दो की प्लेयर है या फिर इसकी जगह नंबर वन की है। वैसे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि नॉर्थ कोरिया का असली सुप्रीम लीडर कौन है, किम जोंग उन या फिर उसकी ये प्यारी बहन? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर करना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है AI के बारे में, कि कैसे AI को यूज करके नए नए स्कैम्स किए जा रहे हैं और आखिर क्यों आने वाले सालों में AI एक बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है। यहाँ पर टैप करो और इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।